हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 3 ऑफ अ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक हम क्या देख चुके हैं स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि न्यूट्रिशन बराबर है, न्यूट्रिशन क्या हो रहा है प्लांट्स में, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो देखा है, और सबसे पहला जो हमारा पार्ट था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या किया वो डिस्कस किया, जो कि कौन सा हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसमें हमने देखा कि उसमें इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, उस तरह के लिविंग बीइंग्स आ रहे थे जिसमें वो क्या कर रहे थे, खुद का खाना खुद बना पा रहे थे। ठीक है, उसे बोला था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और मोस्टली कौन आ रहे थे, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपना जो फूड है वो क्या करते हैं, खुद ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारा पिछले वाला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीजें जरूरी है, उसमें हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, उसके बाद हमने देखा उसमें वाटर जरूरी होता है, उसके बाद आप लोगों का सनलाइट जरूरी है, और क्लोरोफिल क्या है, जरूरी है। उसके बाद हमने सोर्सेस ऑफ ये चारों चीजें है, तो वो सोर्सेस कहाँ से है, उसे कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स को, ये चीजें भी क्या की है स्टूडेंट्स, डिस्कस किए। होप सो आप लोगों को क्या हो चुका है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, समझ गए होगे आप। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आपको क्या करना है वो अच्छे से समझ ही लेना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिशन है स्टूडेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने टू टाइप्स के न्यूट्रिशन देखे थे, एक था ऑटोट्रॉपिक और दूसरा था हेटरोट्रॉपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उसमें क्या किया जा रहा है स्टूडेंट, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या किया जाता है, उसके नाम में ही जैसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब हेटरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट अदरवाइज अनदर। ठीक है, मतलब जो ऑटोट्रॉपिक हो रहे थे उसमें क्या है, खुद सेल, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेटरो मतलब खुद नहीं, डिफरेंट अनदर। ठीक है, और ट्रॉपिक मतलब फूड, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन है स्टूडेंट्स जहाँ पे जो एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग बींग्स क्या कर रहे हैं, खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, वो क्या होंगे, किसी और के ऊपर क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे अपने फूड के लिए, बराबर है, डिफरेंट मतलब अनदर के ऊपर क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे फूड के लिए। तो उस टाइप का जो न्यूट्रिशन होगा, बराबर है, जिस एनिमल में उस टाइप का न्यूट्रिशन होगा, उस न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उस ट्रॉपिक को क्या, उस न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझो स्टूडेंट, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या, कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज दूसरे किसी भी चीज के ऊपर क्या होगा, लिविंग बींग्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, उसे क्या कहा जाएगा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसे क्या कहा जाएगा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स देखो, तो ये हो गया, उसके बाद देखो हेटरोट्रॉप्स लिखा हुआ है, हेटरोट्रॉप मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अब ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसे कुछ लिविंग बींग्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, हेटरोट्रॉपिक मतलब फूड के लिए क्या है स्टूडेंट, किसी दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, वो उनसे क्या लेंगे, अपना फूड क्या लेंगे, हासिल करेंगे, और क्या करेंगे, अपनी एनर्जी, बॉडी की ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, एंड एनर्जी क्या करेंगे, खुद की बॉडी को प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा, हेटरोट्रॉप्स, उन्हें क्या कहा जाएगा, हेटरोट्रॉप्स। देखो समझ आ रहा है, हेटरोट्रॉप्स मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर रहे हैं, फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हें क्या कहा जाएगा, हेटरोट्रॉप्स। और इसी जो प्रोसेस होगी, बराबर है, ऐसी जो प्रोसेस होगी, तो उस न्यूट्रिशन को, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसे क्या बोला जाएगा, सिंपल हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन में लिखा, हेटरो मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हेटरो मतलब की बात अनादर। ठीक है, जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, अनादर किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है फूड के लिए, बराबर, किसके लिए, फूड के लिए, और फूड से क्या लेंगे, वो एनर्जी लेंगे। ठीक है, तो ये जो किसी और के अनदर ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इन्हें क्या कहा गया है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, हेटरोट्रॉप्स। सिंपल है, हेटरोट्रॉप्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म, और उस प्रोसेस को क्या बोला गया, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट। ठीक है,
तो इतना ही है स्टूडेंट। तो आप देखो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जैसे आप लोगों को पता है इसमें इस कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में जो भी क्या है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, जो नॉन ग्रीन प्लांट है, बराबर है। अदरवाइज कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट तो होता है लेकिन वो उनकी एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, फूड को प्रिपेयर कर सके, ठीक है। तो वो प्लांट आ रहे हैं उसमें, जैसे ह्यूमन बीइंग्स आ रहे हैं, जितने भी एनिमल्स हैं मोस्टली वो आ रहे हैं, बराबर है ना। हम अपना खाना खुद जनरेट कर पा रहे हैं क्या? नहीं। ह्यूमन बीइंग्स वो भी क्या है प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने जो फूड है उसके लिए, बराबर है। मतलब हम भी किसमें आ रहे हैं, हेटरोट्रॉप्स में आ रहे हैं। हम भी किसमें आ रहे हैं स्टूडेंट्स, हेटरोट्रॉप्स में आ रहे हैं। तो ये सारी नॉन लिविंग प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ये किसमें आ रहे हैं, मोस्टली हेटरोट्रॉपिक्स हेटरोट्रॉप्स में क्या आ रहे हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहे हैं सर, क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को समझ रहे हैं कि ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ रहे हैं। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है स्टूडेंट वो तो आप लोगों को समझ गया कि खाना दूसरों से लिया जाएगा, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या होगा कि खाना है क्या दूसरों से लिया जाएगा, खुद नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है स्टूडेंट, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी क्लासिफाई किया गया है, उसके जो न्यूट्रिशन है उसको भी क्या किया गया स्टूडेंट, ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया फोर स्टेज में। कितने? फोर क्लास स्टेजेस में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। इस तरह से बोलेंगे कि जो हमारे हेटरोट्रॉप्स हैं उनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है फोर कैटेगरीज में, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स मतलब ऑर्गेनिज्म जो है उसको कैटेगराइज किया गया है फोर इसमें। तो सबसे पहला हम आज देखने वाले हैं, ठीक है, जो कौन सा है आप लोगों का पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। कौन सा है? पैरासिटिक प्लांट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब पैरासिटिक प्लांट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो दिस प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम द अनदर ग्रीन प्लांट नोन होस्ट प्लांट। अब देखो ये तो समझ गया होगा कि पैरासिटिक प्लांट्स किसका टाइप है स्टूडेंट्स, आप लोगों का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा, मतलब वो क्या कर रहा होगा, ये जो पैरासिटिक प्लांट्स होंगे ये खुद का खाना खुद नहीं बना रहे होंगे, बराबर है। उनके पास एबिलिटी नहीं होगी कि वो खुद का खाना खुद जनरेट कर पाए, प्रिपेयर कर पाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपना जो खाना है वो क्या करते हैं, दूसरा जो ग्रीन प्लांट होगा जो क्या कर रहा है खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है, तो उससे क्या करेंगे वो लेते हैं। अब वो किस तरह से लेते हैं यही प्रोसेस आप लोगों को समझने है। आपके किताब में स्टूडेंट्स ये तीन एग्जाम्पल दिए हैं इसके, कुसकुटा ओरेंजे एंड विस्का मतलब मिस्टेलेटो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम एक ही डिस्कस करेंगे कुसकुटा, ठीक है। अब देखो ये जो कुसकुटा है इसको आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, एक बार जो किस तरह से वो वर्क करता है वो समझ लेना है, बाकी के जो आपको एग्जाम्पल है ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे फिगर निकालकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट समझो ये क्या है, एक बड़ा सा ग्रीन प्लांट है, ठीक है, ठीक है। हम पकड़ लेते हैं किसके बारे में, समझ लो कुसकुटा के बारे में, ठीक है। तो हाँ देखो सिर्फ आपको वर्किंग समझा रहा हूँ कि ये क्या है, ग्रीन प्लांट स्टूडेंट, ये क्या है समझ लो, ग्रीन प्लांट है, ठीक है। अब ये ग्रीन प्लांट है मतलब इसको कुछ ये देखो, ये क्या होंगी स्टूडेंट, इसको कुछ ब्रांचेस होंगी, ठीक है, ये ब्रांचेस होंगी, इसको क्या है समझो यहाँ पे पत्तियां है अच्छी, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये ब्रांचेस समझ लो एक, ठीक है, एक ही आधा निकालना चाह रहा हूँ। ये जो है ये प्लांट है, ये क्या कर रहा है, ग्रीन प्लांट है स्टूडेंट। ये कौन सा प्लांट है आप लोगों का, ग्रीन प्लांट है, ठीक है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है स्टूडेंट, ग्रीन प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, ग्रीन प्लांट है। अब देखो आपका जो क्या होगा पैरासिटिक प्लांट जो होगा, ये पैरासिटिक प्लांट ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों को ब्रांचेस दिख रही है इसकी, ठीक है, इस ब्रांचेस जो होगी तो इस ब्रांचेस को क्या कर लेता है वो, इसको राउंड अप करके क्या करता है अपनी ग्रोथ क्या कर रहा है शुरू करता है, इसको क्या कर रहा है राउंड अप कर रहा है। मतलब स्टूडेंट ये समझ लो कि जो आपका कुसकुटा सा अमरवेल आप लोगों ने देखा, ये अमरवेल का ये टाइप है, देखो अमरवेल ही है समझ लो। तो ये स्टेम है, इस स्टेम को क्या करेगा राउंड अप करेगा, जैसे हम इसको थ्रेड क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं ना, मतलब थ्रेड इसको क्या करेंगे राउंड अप कर रहे हैं, उसी तरह से क्या करता है ये इसको राउंड अप करता है। आप लोगों ने आपके इसमें ये होगा कौन सा घर के सामने जो रखते हैं क्या बोलते हैं उसे,
चलो जानने में नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से क्या करेगा स्टूडेंट्स, राउंड अप करेगा स्टूडेंट्स अपने जो स्टेम है उस स्टेम के पार्ट्स को, ठीक है। देखो ये क्या है, इस तरह से क्या कर रहा है, राउंड अप करता है अपने प्लांट को, बराबर है, जो क्या है ग्रीन प्लांट है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो है, ये जो प्लांट है ग्रीन प्लांट, इस ग्रीन प्लांट को क्या बोला जाता है, होस्ट प्लांट। इसे क्या बोला जाता है, होस्ट प्लांट, ठीक है। ये क्या हो गया है, इसको क्या बोला गया उन्होंने, होस्ट प्लांट। अब ये होस्ट प्लांट क्यों कहा गया, क्योंकि हम पता है होस्ट जो क्या करता है, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करता है वो क्या होता है, होस्ट होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, होस्ट प्लांट मतलब वो प्लांट जो क्या कर रहा है, खुद खाना बना रहा है। तो वो सबसे होस्ट कौन सा है, जो खाना बनाने वाला प्लांट है वो कौन सा है आप लोगों का, होस्ट प्लांट। तो ये जो आपका ग्रीन प्लांट है उन्होंने क्या कह दिया इसको, होस्ट प्लांट। तो देखो, दिस प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम अनदर ग्रीन प्लांट नोन एज होस्ट, ठीक है। मतलब देखो ये हो गया, ये जो मैंने पकड़ लिया यहाँ पे समझ लो, ये क्या है आप लोगों का, अमरबेला है, अदरवाइज कस्कूटा है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, होस्ट प्लांट आप लोगों को समझ गया, ये जो प्लांट है मेन वाला, ठीक है, जो कि ग्रीन प्लांट है आप लोगों का, जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर कर रहा है ये, ठीक है, खुद का किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, फूड प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया होस्ट प्लांट। और स्पेशल पैरासिटिक रूट्स कॉल्ड एज अ होस्ट्रिया, देखो स्टूडेंट्स अब क्या हो रहा है, ये जो प्लांट, ये जो उसकी क्या है ब्रांचेस है, उसने क्या किया है, स्टेम को क्या किया है, राउंड अप किया है स्टूडेंट। अब यहाँ पे राउंड अप करने के बाद मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये है स्टेम, जो स्टेम ये क्या है, स्टेम है स्टेम। अब ये स्टूडेंट ये क्या करता है, इसको ऐसे राउंड अप कर रहा है, तो ये क्या करता है, इसको और टाइटली करते जाता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इस अगर पेन को मैं क्या करूं, थ्रेड से क्या करूं, राउंड अप करूं और उसको टाइट करते चलूं, तो वो क्या होता है, अंदर धस, अंदर की तरफ क्या होता है, इंजेक्ट होते चलता है, बराबर है। अगर आपका क्या होगा, मतलब यहाँ पे पेन भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई लकड़ी वगैरह लोगे तो आप जिस तरह से उसे ज्यादा फोर्स से क्या करोगे, खींचोगे, टाइटली पैक करते चलोगे, तो वो क्या होगा, अंदर जो इंजेक्ट होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो ये जो इसके क्या होते हैं स्टेम्स है, अदरवाइज ये जो इसकी ब्रांचेस होती है वो क्या होती है, इससे टाइट करती चलती है स्टूडेंट्स, और अंदर की तरफ इसके स्टेम में क्या होती चलती है, अंदर की तरफ घुसते चलती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है, इसके अंदर की तरफ चली जाती है, ये जो है ना बाहर से दिखने वाली आप लोगों को, ये क्या होती है, अंदर चली जाती है। और अंदर जाने के बाद स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि ये अंदर जाने के बाद ये जो स्टेम होता है, इसमें हमने पढ़ा कि टू टाइप्स की क्या होती है, कंडक्टिंग, स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है, जिसमें क्या होता है, एक होता है फ्लोएम जो क्या करता है, फूड कैरियर करता है, बराबर है, प्लांट में फूड सप्लाई करने का काम करता है। और एक क्या होता है, जाइलम। तो ये होगी समझो जाइलम, और ये होगी समझो स्टूडेंट फ्लोएम, बराबर है। तो ये क्या कर रहा है, इसको ब्रेक करके, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है किसको, फ्लोएम को ब्रेक करता है, और वहां पे क्या करता है स्टूडेंट, अपने स्पेशल छोटे छोटे हेयर्स क्या करता है, क्रिएट करता है। और यहाँ से ये जो फूड है, ये जो किसका फूड है, ये ग्रीन प्लांट का फूड है, यहाँ से क्या करता है स्टूडेंट, सक करने लगता है, और अपना जो स्टेम है, मतलब यहाँ जो इसकी जो स्टेम है, इसके सहारे अपना जो बॉडी पार्ट है उसका, उसको क्या करता है, सप्लाई करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बॉडी पार्ट को क्या करता है स्टूडेंट, सप्लाई करता है, सिंपल, ठीक है। देखो यहाँ पे स्ट्रेट में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो आपको समझने के लिए, ये अंदर की तरफ धस गया है समझो, ये देखो ये एक स्टेम है, इसमें क्या है, ये फ्लोएम के बारे में बता रहा हूँ, बराबर है। अब ये जो स्टेम था, ये अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ आ गया और यहाँ पे फ्लोएम तक आ गया स्टूडेंट। और फ्लोएम पे आने के बाद वो क्या हो गया, यहाँ पे एक स्पेशल रूट, ये जो स्टेम है, ये स्टेम ही क्या कर रहा है, कुछ हेयर्स प्रोड्यूस करके यहाँ पे स्टेम ही क्या कर रहा है, रूट के जैसे वर्क कर रहा है। जैसे रूट पता है ना, मैं वाटर मिनरल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो ये फूड ही क्या करता है, सॉरी ये जो स्टेम ही क्या कर रहा है, स्पेशल रूट पे क्या होता है, बन जाता है, रूट की तरह क्या करता है, वर्क करना शुरू करता है। और यहाँ से ये जो आपका फूड है, ये इसमें से फूड ट्रैवल कर रहा है, किसका, आपका होस्ट प्लांट का, होस्ट प्लांट का फूड ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या कर रहा है, खुद ही क्या कर रहा है, इसे सक कर रहा है स्टूडेंट। इस तरफ क्या कर रहा है, फूड जाने वाला था आगे, लेकिन आगे न जाने देने के बावजूद वो क्या कर रहा है, खुद ही सब कर रहा है, और अपने बॉडी पार्ट्स को, मतलब जो आपका पैरासिटिक प्लांट है, वो खुद को ही क्या कर रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है। बना कौन रहा है, ग्रीन प्लांट, होस्ट प्लांट, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है, जो आपका कसकुटा है, अमरबेल, अदरवाइज पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। तो देखो
जो स्पेशल पैरासाइट रूट्स क्रिएट हो रहे हैं उसे क्या बोला गया है, हॉस्ट्रिया। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो यहाँ पे अंदर जाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, वो क्या करता है स्पेशल रूट बनाता है, ठीक है, रूट बनाता है, मतलब जो स्टेम है वही रूट की तरफ वर्कआउट करना शुरू होता है, तो इसे क्या बोला गया उन्होंने हॉस्ट्रिया, ठीक है, उसे क्या कहा है हॉस्ट्रिया। तो ये देखो ये हो गया हॉस्ट्रिया के बारे में, आप लोग वर्किंग समझ गए। And parasitic plants benefit from this relationship and host dies eventually. Such mode of nutrition is called as a parasitic nutrition. Students, देखो अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि इस relationship में, ये relationship ही है ना, क्योंकि ये host plant है आपका parasitic plant, इन दोनों के बीच में क्या है relationship है, लेकिन इस condition में क्या होता है student, जो आपका host plant है उसके लिए क्या होता है ये डैमेज होता है, मतलब डैमेज मतलब हानिकारक होता है, ठीक है। अभी ये क्यों हानिकारक हो रहा है इस केस में, वो क्या हो सकता है डाइट हो सकता है, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है यहाँ से क्या कर रहा है फूड भेज रहा है फ्लोएम, बराबर यहाँ से स्टेम के जरिए से क्या कर रहा है अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहा है स्टेम बॉडी पार्ट्स को क्या भेज रहा है आप लोगों को फूड भेज रहा है। लेकिन देखो ये जो यहाँ पे क्या है आपका पैरासिटिक प्लांट है ये क्या कर रहा है आगे फूड जाने दे रहा है क्या, नहीं, वो क्या कर रहा है फूड को क्या कर रहा है खुद ही एब्जॉर्ब कर रहा है, खुद की डेवलपमेंट के लिए खुद को सर्वाइव करने के लिए क्या कर रहा है वो फूड को क्या कर रहा है इस्तेमाल कर रहा है। मतलब इसके जो सामने जो ब्रांचेस होंगी, ठीक है, अब देखो इसके सामने समझो ब्रांचेस है, बराबर ये बहुत बड़ा पेड़ है, इसके बहुत सारे यहाँ पे लीफ है यहाँ पे फ्रूट है, तो यहाँ पे जो कोई लीफ होगा बराबर है, तो ये जो होगा इसमें स्टूडेंट ये आगे का पार्ट बढ़ पाएगा क्या, इसकी डेवलपमेंट होगी क्या, ग्रोथ होगी क्या, नहीं, क्योंकि आगे फूड ही जा ही नहीं पा रहा ना अगर, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है खुद ही यहाँ पे ही क्या कर रहा है रूट की तरह वर्कआउट करके खुद ही फूड को क्या कर रहा है ले रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पार्ट्स होता है ये क्या है डाइव हो जाता है, ठीक है, ये खत्म होना लगता है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है पैरासिटिक प्लांट्स बेनिफिट्स, पैरासिटिक प्लांट्स को क्या मिल रहा है बेनिफिट मिल रहा है इस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे क्या है होस्ट डाइज इवेंचुअली, मतलब क्या होता है होस्ट जो है वो डाइव होने के क्या होते हैं चांस होते हैं, ठीक है। और इस मोड सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला गया है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है, आप लोगों को बता दिया मैंने, एक समझ लो कि ये न्यूट्रिशन का अगर आपको एक एग्जांपल ये समझ गया है तो आपको एग्जांपल बाकी की जो है दो ऑर्गेनचे एंड विस्कम्स ये क्या है आपको समझ जाएगी पढ़ने के बाद, सारे के सारे जो वर्किंग्स होते हैं इसी तरह के हिस्ट्री होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो विस्कम है, मतलब ये विस्कम होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कुछ प्लांट इस तरह भी है कि जिनके पास क्या होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे कि विस्कम के पास क्या होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके पास क्लोरोफिल है लेकिन उसके पास क्या होता है वाटर और मिनरल जिस क्वांटिटी में चाहिए उस क्वांटिटी में क्या होता है अवेलेबल नहीं होता। तो ये जो विस्कम होता है वो क्या होता है ये अपने स्पेशल कंडक्टिंग रूट क्रिएट करते हैं, सिर्फ क्या करता है उस जो होस्ट प्लांट है उससे क्या लेता है मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर एंड मिनरल्स लेता है, क्योंकि क्लोरोफिल तो इसके पास होता है और वो खुद का खाना क्या करता है जनरेट करता है। मतलब कोई भी अगर चीज कमी है, हमने देखा है कि चारों भी चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म के लिए, उसमें से एक भी अगर क्या हो गए स्टूडेंट्स कम हो गए तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं कर पा रहा है दैट मींस क्या हो रहा है वहां पे वो खुद का खाना खुद नहीं बना पाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है डिफरेंट मोड ऑफ क्या है अलग अलग, उसमें कुछ में लैक्स होता है कुछ में ज्यादा होता है, तो उस प्रपोर्शन में वो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते स्टूडेंट। तो इस कंडीशन में क्या होता है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या होता है डिपेंडेंट होते हैं, और उस जो दूसरा प्लांट होता है खाना प्रोवाइड करने वाला वो क्या होता है होस्ट प्लांट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कुस्कुटा के लिए डॉटर के लिए, ठीक है, बाकी क्या आप दोनों पढ़ लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा सारे का सारा का जो वर्किंग है इसी तरह से है, पढ़ने से भी समझ जाएगा ये इंपॉर्टेंट वर्किंग है कि किस तरह से वो क्या करता है वर्क करता है किस तरह से अपना रूट जनरेट करता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो फिर मुझसे क्या करना है व्हाट्सएप पे पूछना है, अदरवाइज कॉल करना है स्टूडेंट, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बता दिया मैंने डू नॉट हैव क्लोरोफिल, अब देखो यहाँ पे एक पैरासिटिक प्लांट के बारे में बताया हुआ है रैपलेसिया, क्या बोला हुआ है रैपलेसिया एक पैरासिटिक प्लांट है स्टूडेंट जिसका फ्लावर क्या है बिगेस्ट फ्लावर है, ये ध्यान में रखना है, एक नाम कौन सा है रैपलेसिया इज अ प्लांट, कौन सा प्लांट है वो पैरासिटिक प्लांट है जिसका फ्लावर जो क्या है सबसे बड़ा है, ठीक है, बिगेस्ट फ्लावर क्या होता है उसका बड़ा होता है। अब आपके किताब में देखो स्टूडेंट यहाँ पे कस्कुटा और ऑरेंज विस्कम में ये बताया हुआ है कि जो होस्ट प्लांट है होस्ट प्लांट में भी क्या है बताया हुआ है कि वो कौन से इसमें क्या होते हैं मोस्टली क्या होते हैं बढ़ते हैं, जैसे कस्कुटा के बारे में आप लोगों को गिवन है कि आपका पोटैटो गिवन है, बराबर है क्लोवर गिवन है, तो ये क्या है
दहलिया गिवन है, तो ये क्या है? जी आपको प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है, जिसके ऊपर क्या होगा आपका जो टस्कू डायमर मेल वो क्या होगा बढ़ेगा, अदरवाइज उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो ये क्या था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था, कौन सा? पैरासिटिक प्लांट्स। तो ये आप लोगों को समझ गया होगा, होप सो। अगर नहीं समझा है तो पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।